ये भी बड़ा फेमस होटल है, आप देखो खचा खच भरा हुआ है, एक भी सीट खाली नहीं है। 15 मिनट तुमने वेटिंग करी है, उसके बाद हमें सीट मिली है। तमिलनाडु सीरीज का हरीश बाली ट्रैवल्स पे आप ये सेकंड लास्ट BTS एपिसोड देख रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे आज ही मैसेज करते हैं ये पूछने के लिए कि आपने इस चैनल की शुरुआत क्यों करी। वैसे तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने हरीश बाली ट्रैवल्स पे बनाया था जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, फिर भी आपको मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि वीज़ा टू एक्सप्लोर के जो हम वीडियोज़ बनाते हैं ये उसके बिहाइंड द सीन्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बार लिटरली जैसे BTS होने चाहिए वैसे ही आते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि हम BTS एलिमेंट्स दिखा सकें कि पीछे से हो क्या रहा है, राइट? तो कोशिश जारी है कि इसको हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। अब बात करते हैं तमिलनाडु सीरीज़ के आज के एपिसोड की। हमने मदुरई से जर्नी की शुरुआत करी और टेकड़ी गए। टेकड़ी में मेरे को अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को मिलना था जो दूर से आए हुए थे, तो मैंने प्लान ऐसा किया कि उनको मिलते हुए रात को वहाँ नाइट स्टे करूँगा और अगले दिन वहाँ से हम लोग कन्याकुमारी चले जाएंगे और आगे त्रिवेंद्रम चले जाएंगे। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने मदुरई से रिटर्न फ्लाइट क्यों नहीं ले ली। इसके पीछे कारण ये था कि जब हमने जर्नी की शुरुआत करी ना, तो कन्याकुमारी तो मैं आया लेकिन वहाँ हमने वीडियो शूट नहीं किया। जब आपने सीरीज़ देखनी स्टार्ट करी तो देखा आपने सबसे पहले कन्याकुमारी का एपिसोड आया, लेकिन उसका शूट सबसे आखिरी में हुआ था, एडिटिंग में हमने उसको सबसे पहले दिखा दिया। तो समझ लीजिए कि कन्याकुमारी हमने सबसे लास्ट में शूट किया, तो ऑब्वियसली शूट किया तो फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम ही है। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड की। मदुरई से हम चले और हमने 8 किलोमीटर का सफ़र किया और हम पहुंचे श्री मुरुगन स्वामी जी के टेंपल। टेंपल विजिट किया, उसका पूरा वीडियो वीज़ा टू एक्सप्लोर पे है। उसके बाद ना मैंने जब निकल ही रहा था तो मैंने नोटिस किया वहाँ पर पारुथी पाल नाम की एक ड्रिंक मिल रही थी। तो यहाँ पर जब ड्रिंक को देखा मैंने समझा ये क्या चीज़ है, तो मुझे पता लगा कॉटन सीड से ये ड्रिंक तैयार होती है। तो एक बार मैं हैरान हो गया, कॉटन सीड से कैसे कोई ड्रिंक हो सकती है, सोच पाना मुश्किल है ना। और फिर ये पता लगा मदुरई में बहुत फेमस है ये, तो सर्दियों में ज़्यादातर ये लोग ये ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है, काली मिर्च, इलायची, जिससे ऐसा सब ड्रिंक पीने से आपका गला ठीक हो जाएगा अगर गले में कहीं पे दर्द है तो। वैसे ड्रिंक पी के ना मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मदुरई में हम लोग 5:30 बजे तक थे, फिर वहाँ से हम लोग टेकड़ी के लिए निकले। अब हम देखिए थेनी पहुँचे हैं। थेनी एक बड़ा शहर है, यहाँ पर जैसे हमने थेनी में एंट्री ली तो मैंने देखा अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। एक आइडिया लग गया ना मार्केट देखकर कि बड़ा शहर है। अब यहाँ पर डिनर करने के लिए मेरे को रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे श्री आर्यास, यहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे। गाड़ी खड़ी कर दी है, 8 बजे का टाइम है, आधे घंटे में मान लो डिनर हमारा हो जाता है, 8:30 चलेंगे। अब यहाँ से हमको 2 घंटा लग जाएगा टेकड़ी पहुँचने में, 10:30 बजे टेकड़ी पहुँचेंगे। ये जो 2 घंटे का समय था ना मदुरई से यहाँ तक का, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, लैपटॉप खोल के मैं बुकिंग देखता रहा, एक्स होटल, वाई होटल, जेड होटल। तो फाइनली जाके किसी के रेफरेंस से हमारे को होम स्टे में अकोमोडेशन मिली है, वहीं पर हम टेकड़ी में रहने वाले हैं। आइए जी, चलो जी। पनीर डोसा आ गया हमारा। पिछले 10 दिन से मैं रोज़ ये चटनी खा रहा हूँ और मेरे को हर जगह कुछ ना कुछ टेस्ट में डिफरेंस महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, इनका स्टाइल मेरे को अच्छा लगा, ये छोटी बकेट सी है ये इन्होंने दे दिया, ये अपने आप सांभर डाल के आप खुद ही लेते रहो, बार बार सांभर के लिए हमारे को बॉदर मत करना। ऑन अ लाइटर साइड बता रहा हूँ। ओवरऑल टेस्ट सही है। अभी देखो ये मील्स होते हैं ना, ये शाम के समय नहीं मिलते, शाम के समय स्नैक आइटम मिलती है। ये भी बड़ा फेमस होटल है, आप देखो खचा खच भरा हुआ है, एक भी सीट खाली नहीं है। 15 मिनट तो हमने वेटिंग करी है, उसके बाद हमें सीट मिली है। 2 किस्म के पाउडर हमारे टेबल पे हैं, ये एक पाउडर है ये, और इस पर गार्लिक है, ये भी दोनों ट्राई कर लेते हैं हम।
ये टेबल पे ना ऐसा ऑयल है जिंजली, ये थोड़ा सा पाउडर में मिक्स करके ना ये ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा आएगा। वैसे ये इडली के बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन होता है, जिंजली ऑयल इस तरह से पाउडर में मिक्स करके। सही है, लेकिन मजा इसका इडली के साथ ज्यादा है। ये बाकी होटल में तो हमने देखा नहीं, इधर ही देखा है। बहुत कम जगह में मिलता है, कम होता है, बहुत कम जगह में मिलता है। बहुत अच्छा बनाया है, तो मजा आ गया। काफी बोल दो, अरे रेंड काफी मोन जिंजर टी। कॉफी ठीक है, मेरे को पनीर डोसा बड़ा स्वाद लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा था, अच्छा था ना पनीर डोसा, इतना टेस्टी था। चलो जी 8:30 बज गए हैं, अब यहाँ से टेकड़ी के लिए निकलते हैं। रात के 11:45 का टाइम है, अब जाके हम लोग टेकड़ी पहुंचे हैं। रहने के लिए एकोमोडेशन हमने टेकड़ी मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ लिया, और ये बड़ी मुश्किल से मिली है। मैंने बताया ना आपको कि आज सैटरडे का दिन है, दिसंबर मंथ, डेट 23rd, एकदम पीक सीज़न है। तो अभी 2500 रुपीज़ हम डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ दे रहे हैं। पेरियर कैनपी इस सर्विस अपार्टमेंट का नाम है। मैं श्योर नहीं हूँ ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ अवेलेबल होते नहीं होते, लेकिन वो मैं सुबह चेकआउट कर लूँगा। तो फिलहाल आपको अभी के लिए गुड नाइट। टेकड़ी में स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल रहा। मैंने आपको रात के समय जो होम स्टे दिखाया था ना, सुबह हमने वहीं पे नाश्ता भी कर लिया। जब मैं 5 साल पहले केरला आया था तब हम लोग टेकड़ी आए थे, तब वो रात में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। इनफैक्ट कल रात को भी मैं नोटिस कर रहा था, कितने 10:30 बजे करीब जब हम आए थे तो टेकड़ी मार्केट देख के मेरे को लग ही नहीं रहा था ये वही टेकड़ी है जिसको मैंने 6 साल पहले इसके 50% रूप में देखा था। एनीवेज चीज़ें बदल ही जाती है, और मौसम यहाँ पर ठंडा है इसीलिए मैंने हाफ स्लीव का स्वेटर पहन लिया। कन्याकुमारी पहुँचेंगे तो वापस मौसम स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मार्केट में अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा दुकानें कौन सी हैं, तो वो है स्पाइस की, बनाना चिप्स, कोकोनट ऑयल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। बाकी जैसे हर बाज़ार में होता है मिक्स में दुकानें हैं, और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो होममेड चॉकलेट बेच रही हैं। मैंने क्या किया, घूमते घूमते ना ऐसे एक शॉप में गया और 3-4 स्पाइस ले लिया अपने घर के लिए। पेपर ले लिया ब्लैक और वाइट, और साथ में थोड़ा लौंग ले लिया। अब हम लोग यहाँ से कन्याकुमारी के लिए निकलते हैं, रास्ते में 1.5-2 घंटे जब चल चुके होंगे ना फिर लंच के लिए हॉल्ट लेंगे, अच्छा रहेगा। सफर करते करते शाम के 4:30 बज गए हैं, अब जाके हम हाईवे तक पहुंच गए। हाँ पहुंच गए सर, यही है ना हाईवे? हाँ यही है, नेशनल मदुरई टू कश्मीर, मदुरई सॉरी कन्याकुमारी टू कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर वाला यही हाईवे है? हाँ यही हाईवे सर। अच्छा सही है फिर तो। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं टैपियोका के चिप्स खाने के लिए। तो ये क्या बोलते हो आप लोग इसे, मारावली कलंग? मारावली किलंग, हाँ तमिल में मारावली कलंग बोलते हैं। ये पाउडर क्या है? वो मिर्ची और नमक। अच्छा तो ये बहुत कॉमन है क्या? हाँ सर। बस कमाल है, फिर हमें दिखता क्यों नहीं कॉमन चीज़ अगर इतने तो? बड़े बड़े सुई अपना स्नैक्स के शॉप में रहेगा आपको। अच्छा हमारा ध्यान नहीं क्या होगा, हमने सोचे होंगे आलू के चिप्स हैं। नहीं नहीं उनको मैं दुष्कल खिलाया, देखने में वैसे ही लगते हैं ना। हाँ। वैसे ही भागा, स्वाद है तो सही। अभी आपको गरम गरम प्रेस बना के देते हैं। ताजा भी है, बहुत बढ़िया। और वैसे
टैपियोका दिखता कैसा है ये आप देख लो, भैया के पास यहाँ टैपियोका पड़ा हुआ है। ये है जी टैपियोका। केरला में तो टैपियोका इतना चलता है कि पूछो मत, सब्जी के साथ भी और इसका नॉन वेज में भी कॉम्बिनेशन होता है। हाँ सर, आप जिसमें भी करता है इसको ये कर सकते हो। इसका अपना स्वाद उतना अलग नहीं होता। नहीं, वेरी गुड। चलो जी अब लो ना यार, हम तो ऐसे खड़े हुए हैं। पहले मेरे को लग रहा था ये पाउडर के बिना ज़्यादा स्वाद आता, लेकिन अब धीरे धीरे खा रहा हूँ ना, अब मज़ा आ रहा है। ये लाल मिर्च का जो पाउडर है ना, लाल मिर्च और हल्का हल्का नमक, गुड है। ये सारा पाम ट्री है ना? हाँ सर। तो हम लोग जो तिरुनेलवेली में खाया था, हाँ वो मेरे को दिखा सकते हो? हाँ दिखा दो सर। क्या बोलते हैं उसको? उसको पनंग कलंग बोलते हैं। पनंग कलंग? पनंग कलंग? पनंग कलंग, हाँ। कहाँ पे लगता है वो? वो ये पेड़ पे जो निकलता है, जो फ्रूट दिख रहा है आपको पहले उसके फ्रूट, हाँ ये, हाँ ये वाला, उसका जो फ्रूट जो है पहले उसको नुंग निकलेगा। क्या निकलेगा? नुंग, नुंग बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर का निकलेगा। अभी कहीं है व्हाइट वाला? नहीं अभी वो निकला, अभी पका नहीं, अभी आ रहा है। हाँ वो पहला उसका, उसको आप लोग हिंदी में ताड़गोला बोलते हैं। वो जब पक जाता है उसका हम लोग खा के उसके बीज को मिट्टी में गाड़ देते हैं, तब वो पनंग कलंग निकलता है। अच्छा वो नीचे से निकलता है? जमीन से निकलता है सर वो। अच्छा हाँ, ये उसका बीज, वो ये फ्रूट है वो गिर गया नीचे। जूस वगैरह भी बनाते हैं ना? हाँ इसका मार्केट में मिलता है जूस। अब ये तो पका नहीं है, इसी के ऊपर आपको तीन चार आइटम निकलता सर। ऐसा? मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। ये पेड़ के ऊपर आपको 0% वेस्टेज है। अच्छा हाँ, वेरी गुड। वो काट के डाले देखो सर, ताड़गुले का सब काट। हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, मैंने खाया पहले। हाँ वो वाइट निकलता, अगर ये नहीं निकालोगे आप तो इसका वो फ्रूट बन जाता है पीला पीला करके। समझ गए। अगर देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ। ऐसा भूल जाएंगे हम। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दस मिनट का हमने हाईवे पे सफर किया और पहुंच गए हैं टेंपल सिटी रेस्टोरेंट। ये देख लो जी, मैंने अपने लिए मंगवाया है मशरूम कोथू परोटा। अब ये क्या कर रहे हैं ना, परोटा बनाने के बाद ना उसको कुछ क्रश करते हैं और मशरूम और मशरूम की ग्रेवी में कुक किया जाता है। ये है जी, ये वैसे मैंने पहले एक दो बार खाया है, याद नहीं आ रहा कहाँ पे खाया था। साथ में कूरमा और रायता दिया प्याज का। मानना पड़ेगा टेस्ट बड़ा मज़ेदार है और इसका कॉम्बिनेशन जो कुरमा के साथ है बेहतरीन। जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मैंने ऑर्डर दिया था कोथू इडियापम का, मेरे को लगा ये नई चीज़ है मशरूम कोथू इडियापम। तो मैंने वहाँ फ़ोटो देखी, ऑर्डर दे दिया। आधा घंटा लग गया फिगर आउट करने में कि ऑर्डर आ क्यों नहीं रहा। फिर अचानक एक पर्सन आया फिनिश, तो मैंने कहा भाई अब क्या करें, तो फिर हमने ये मंगा लिया। अब ये भी 20-25 मिनट लगे हैं कुल मिला के, हमें सारे प्रोसेस में एक घंटा लग गया। 5 बजे आए थे और 6 तो बजी चुके हैं। टेस्ट देखो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है यहाँ का स्वाद। कुल मिला के हमारा ये लेट लंच बहुत मस्त हो गया। ये जो पोर्शन साइज़ है ना, एक आदमी के लिए हैवी है, मतलब दो लोग भी खा सकते हैं इतनी क्वान्टिटी है। और ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बड़ी सी पार्किंग स्पेस बाहर है। मैं फिनिश करके यहाँ से चलता हूँ, ज़्यादा रुकेंगे ना तो कन्याकुमारी पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देखो 6 बज गए हैं, 6:15 6:20 पे भी निकलेंगे तो यहाँ से हमें 3.25 घंटे लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप जाते हैं। One second, I'm online. So I'm trying to just refresh this. Pay now. So would you like to hold while I make the payment? Yeah, please hold. Yeah, this says congratulations, payment for invoice number 36302133349. Thanks.
देखो जी, आज क्या हुआ मालूम, मैं भूल ही गया था मेरे को रिटर्न टिकट भी करवानी है। वैसे भी मैं दो दिन पहले ही बुक करवाता हूँ, और परसों जाना है हमको, अभी टिकट करवा रहे हैं। तो इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो टेंशन रहती है कि टिकट नहीं करवाई, आज तो मैं भूल ही गया था टिकट करवानी, तो टेंशन का मुद्दा ही नहीं आता। और दूसरा नुकसान, आपको टिकट महंगी मिलती है। सबसे पहले मैंने मेक माई ट्रिप खोला, खोलकर मैंने देखा फेयर आ रहा था 44,000 रुपीज़ चार लोग का, तो मेरे को अंदाज़ हो गया 11,000 के आसपास है। मैंने फटफट कर दिया, तो एकदम से मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, विस्तारा को डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ। तो विस्तारा मेरे को बोला कि आपका टिकट है 51,000 सम अमाउंट। तो मैंने कहा 51,000 मतलब मेक माई ट्रिप सस्ता दे रहा है, विस्तारा को बोला। तो बोलते हैं नहीं सर, हमारा पॉलिसी एंड ऑल दैट। तो मेरे को लगा जब तक बात हो रही है मैं पैरेलल मेक माई ट्रिप को क्लिक करता हूँ, मतलब आगे बढ़ता हूँ स्टेप देखने के लिए फेयर में फ़र्क कितना। जैसे ही मैंने आगे टैप किया, मतलब क्लिक किया, तो मेक माई ट्रिप ने टिकट का फेयर जो 44,000 है उसको बना दिया, 11,000 कुछ था ना एक आदमी का, उसको बना दिया 80,196। सोचो किसको बोलते हैं। और नीचे लिखा भी है एयर फेयर हैज़ इंक्रीज बाई 35,068 रुपीज़। तो टू मच हो गया ना ये तो। अच्छा हो गया मैंने पैरेलल में विस्तारा को फ़ोन कर लिया। एनीवेज, मेक माई ट्रिप से ही मैं मोस्टली बुकिंग करवाता हूँ। तो मैंने ये देखा कि काम स्मूथ चल रहा है तो सही है, नहीं तो जहाँ रिफंड की बात आ जाती है या उनसे डील करने की बात है तो उतना स्मूथ नहीं है। फिर भी मैं 90% बुकिंग्स MMT से करता हूँ, सोचो। एनीवेज, अब हमारी परसों की टिकट होगी 12 बजे की, हमको 10 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुँचना होगा, जिसका मतलब हमें 7 बजे कन्याकुमारी से चलना होगा। कल हम पूरा दिन कन्याकुमारी में, राइट। हाईवे भी आप देखो कैसा दिख रहा है, मस्त है ना कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे, इतना अच्छा है कि 80 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चल रही है, क्योंकि कैब्स में तो फिक्स होता नहीं, 80 से ऊपर आप चला नहीं सकते। तो मस्त है, 4 घंटे में हम, 3 घंटे में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं, 10 बजे तक अगर ब्रेक नहीं लेते तो। लो जी, वापस हम लौट कर कन्याकुमारी पहुंच गए, रात के 10:15 का टाइम है। TTDC यहाँ पर हमने बुकिंग करवाई है। ये रूम है विदाउट AC, 2414 टैक्स मिलाकर टैरिफ है इसका। इस तरफ को वॉशरूम है, ठीक है, और इस तरफ को मेरे ख्याल से बालकनी होनी चाहिए। यहाँ से 50 मीटर आगे जाएंगे तो इनका गेट है और सामने सी है। चलो, आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सीरीज़ तो इंजॉय करी होगी अभी तक, आज का एपिसोड भी इंजॉय किया। कल हम लोग का आखिरी दिन है इस पूरे सफ़र का, और फिर वापसी हो जाएगी। और आगे चल के कहाँ जाना है तमिलनाडु के बाद, उसके बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं। फ़िलहाल तो सोच रहे हैं कि तमिलनाडु टूर ख़त्म हो और घर पहुंच के उसकी एडिटिंग करें, क्योंकि एडिट भी एक बड़ा टास्क होता है। चलो, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।